अब हम बात करेंगे शटर स्पीड के बारे में। तो शटर स्पीड कैमरे का वो भाग होता है जब प्रकाश फिल्म तक जाता है तो उस मात्रा को, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम शटर स्पीड का होता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे कैमरे में कैसे कैसे शटर स्पीड बने हैं, कितने नंबर पे, और उसके क्या क्या कार्य हैं। तो अभी हमने अपने शटर स्पीड में, कैमरे के शटर स्पीड में बी लगा रखा है। बी को देखिए, जब हम शटर स्पीड बी पे दबाते हैं तो ये हमारा शटर खुलता है और जितनी देर तक चाहें हम विशेष प्रभाव दर्शाने के लिए हम एक्सपोजर करते हैं, और जैसे ही शटर रिलीज बटन को अगर हम छोड़ते हैं तो ये शटर बंद हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, बी पे लगा हुआ है शटर स्पीड को। बी पे लगाने के बाद शटर रिलीज बटन को हम दबाएंगे, शटर ये खुल जाता है। यहाँ पे एक ग्राउंड ग्लास पर्दा लगा हुआ है जो अपने स्थान से ऊपर उठता है, ये देखिए, और ये लाइट यानी कि प्रकाश हमारे फोटो फिल्म पे जा रहा है। अब इसको हम छोड़ देंगे और ये बंद हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम आते हैं शटर स्पीड का एक सेकंड वाला भाग लगाते हैं। एक सेकंड में देखिए कैसे खुलता और कैसे बंद होता है। ये शटर रिलीज बटन को हम दबाते हैं और ये खुल के एक सेकंड के अंतराल में बंद हो जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं शटर स्पीड दो पे, यानी कि एक सेकंड का आधा भाग, 1/2। एक सेकंड की अपेक्षाकृत 1/2 पे शटर और जल्दी खुल करके बंद हो जाएगा। एक सेकंड की अपेक्षाकृत हम बता रहे हैं, ये देखिए ये खुला और बंद हो गया। फिर से एक बार आप लोग देखिए, 1 सेकंड की अपेक्षाकृत 1/2, यानी कि 1 सेकंड का आधा भाग, आधा सेकंड भी इसको बोल सकते हैं। देखिए आप लोग, खुला और बंद हो गया। अब इसी प्रकार से इसका ये सेकंड का भाग डबल होता जाएगा। पहले 1 सेकंड था, 1 सेकंड का आधा हुआ यानी आधा सेकंड 1/2, अब 1/4 यानी कि 1 सेकंड का चौथा भाग। देखिए इसमें कैसे खुलता और कैसे बंद होता है, और जल्दी खुलेगा और बंद हो जाएगा। 1 सेकंड का चौथा भाग खुला और बंद हो गया। इसी प्रकार 1/8 आता है, 1 सेकंड का आठवां भाग यानी 1/8। देखिए 1/4 की अपेक्षाकृत और जल्दी खुलेगा और बंद हो जाएगा। ग्राउंड ग्लास पर्दा भी अपनी जगह से उठेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, खुला और बंद हो गया। अब इसी प्रकार से नंबर बढ़ेगा, 1 सेकंड का 15वां भाग, ये देखिए 1 सेकंड का 15वां भाग, अब 1 सेकंड का 30वां भाग आएगा, यानी 1 सेकंड का 30 बार भाग करेंगे। अब कल्पना कीजिए आप लोग कि 1 सेकंड का 30 भाग कितनी जल्दी खुलता और बंद होता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। खुला और बंद हो गया। अब देखिए एक बार और करके हम आपको दिखा देते हैं, 1 सेकंड का 30वां भाग, इसी प्रकार 1 सेकंड का 60वां भाग। अब बच्चों आप लोग ये समझिए कि इतनी देर में ही मात्रा, प्रकाश की मात्रा जो है फिल्म तक जाती है और गुप्त प्रतिबिंब के रूप में हमारे फोटो फिल्म पे एक प्रतिबिंब बन जाता है, यानी कि जिस चीज़ की हम लोग फोटो खींचते हैं, जिस विषय वस्तु की हम लोग फोटोग्राफ्स खींचते हैं उसकी एक इमेज, जिसको कि इंग्लिश में लेटेंट इमेज बोलते हैं, गुप्त प्रतिबिंब बन जाता है। अब 1 सेकंड का 60वां भाग देखिए आप लोग, पता नहीं चला ना कि खुला कि बंद हुआ। फिर से देखिए 1 सेकंड का 60वां भाग,
अब एक सेकंड का 125वां भाग। इसी प्रकार अब एक सेकंड का 200वां भाग यानी कि 200, 1/200। अब इसको हम आगे बढ़ाते जाते हैं यानी एडवांस लीवर आगे बढ़ाएंगे, एक्सपोजर के लिए हम अपने फिल्म का एक स्नैप आगे बढ़ाएंगे, फिर शटर रिलीज बटन दबाएंगे, अपना अपर्चर और शटर स्पीड हमने सेट कर रखा है एक सेकंड का 125वां भाग। देखिए कितनी जल्दी खुलेगा और तुरंत बंद हो जाएगा। इसी प्रकार एक सेकंड का 200वां भाग, अब एक सेकंड का 500वां भाग आता है। इसी प्रकार एक सेकंड का 1000वां भाग। अब कल्पना कीजिए 1000 भाग कितना ज़्यादा हो जाता है, 1000वां भाग। और लास्ट में हमारे कैमरे में अंकित है एक सेकंड का 2000वां भाग। ये हमारे शटर बटन है यानी कि शटर स्पीड है, शटर की जो गति है उसको हमने आपसे बताया एक सेकंड का 2000वां भाग। शटर स्पीड का मतलब ये होता है कि अब आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि शटर स्पीड को जब हम दबाएंगे तो इससे ये निर्धारित होता है कि प्रकाश की जो मात्रा फिल्म तक जा रही है उसको कितने समय के लिए हमको प्रकाश की मात्रा को डालना है, कितने समय के लिए नहीं डालना है, कितनी जल्दी शटर स्पीड को खोलना और बंद करना है, उतनी ही समय के लिए प्रकाश की मात्रा जल्दी और देर में जाएगी। यह कैमरे में लगी हुई ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा फिल्म पे जाने वाले प्रकाश को रोका जाता है तथा इच्छित प्रकाश को ही निश्चित समय के लिए फिल्म पे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। अर्थात एक अच्छे छायांकन के लिए हमको शटर स्पीड और अपर्चर दोनों का ही अच्छे से प्रयोग करते हुए, सही एक्सपोजर का प्रयोग करते हुए ही एक अच्छी फोटोग्राफी की जा सकती है।